का सच्चा साथी जो उसकी खेती में दिन रात उसके साथ पसीना बहाता है। बीज बुआई से लेकर कटाई तक और कटाई से लेकर अगली बीज बुआई तक हर हल हर वक्त किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अविरत साथ देने वाले बैलों की कृतज्ञता मानने और उनके पूजन का त्यौहार यानी बैल पोला पिछले दो वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह त्यौहार नहीं मनाया गया, लेकिन इस वर्ष यह त्यौहार अनेक जगहों पर बड़े उत्साह से मनाया गया। शहर का सबसे बड़ा व पुराना पोला माताखेड़ी पोला मैदान में मनाया गया, जहां राज्य के पूर्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुनील केदार के द्वारा सभी किसान भाइयों को पवन जायसवाल की ओर से गमछे और नारियल देकर सम्मानित किया गया और उपस्थित सैकड़ों बैल जोड़ी में से प्रथम गज्जू नाइक, द्वितीय सचिन मोहतकर, तृतीय आशीष सातपुते को पाटिल सेलुलर की ओर से मोबाइल सेट आदि सहित सर्वश्रेष्ठ बैल जोड़ियों को नगद इनाम दिया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष और नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल, शहर कांग्रेस कमेटी सचिव विजय बसवा, पूर्व नगर सेवक सुनील चाफेकर, डोमा साहब साहबजी, गोपाल घटे, दिलीप घटे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वहीं कड़कड़ी महाराज हनुमान देवस्थान पहले पार के प्रांगण लाल बाग में देवस्थान कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया, विश्वस्त गुड्डू ढूंढेले, अशोक बुधोलिया, युवा समाज सेवी मनोज बसवा, श्याम चौहान सहित सैकड़ों किसान भाइयों की उपस्थिति में पोला उत्सव मनाया गया, जहां पोले में आई बापू घोड़े, दिनेश कमाले, रमेश बागड़े, रामदास बसवास, संजय तिवारी आदि किसान भाइयों की पांच उत्कृष्ट बैल जोड़ियों को नगद राशि और अंग वस्त्र व नारियल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुनील केदार ने किसान भाइयों को पोले की और उपस्थित बच्चों को छोटे पोले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फिलहाल बारिश के कारण खेती किसानी और किसान भाइयों के हालात बहुत ही खराब है और राज्य सरकार ने अभी तक पीड़ितों की सुध नहीं ली है। आने वाले कुछ दिनों में किसान भाइयों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए क्षेत्र का विधायक होने के नाते प्रयास किए जाने की बात इस अवसर पर कही और इस बढ़ती महंगाई में भी बैल जोड़ी पालने वाले किसानों का आभार माना। आयोजन का संचालन योगेश पाटिल ने तो आभार तुलसी आप्त ने निमाना। पोला उत्सव के दरमियान शांति और सुव्यवस्था बनी रहे इसलिए सावने थानेदार मारुति मुलुक के नेतृत्व में एपीआई सतीश पाटिल, निशान फूलेकर, महिला एपीआई रासकर आदि के साथ सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दिया। दोन वर्षाच्या कोरोनाच्या नंतर आपण सगळे जण आज प्रथा परंपरा शेतकऱ्यांचे त्या ठिकाणी आस्था या विषयाला धरून आपण हा कार्य दरवर्षी आपण कार्यक्रम करतो। जे जे माझे शेतकरी बंधू अडचणीच्या काळामध्येही आपल्या पशुधनाला अत्यंत चांगल्या प्रकारे जोपासलं आणि आज त्या सगळ्यांचा एक सण म्हणून आपण या ठिकाणी आज साजरा करतोय। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।